हेलो फ्रेंड्स, मेरे विराट और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट का नंबर प्लस साथ में जो कोड यूज़ होते हैं जो एडसेंस में हमें सबमिट करना होता है, वो किस प्रकार से आप अपने एडसेंस के अकाउंट में सबमिट कर सकते हैं ताकि जो आपके एडसेंस का जो पेमेंट है वो आपके खाते में आ सके। आपके खाते में पेमेंट बुलवाने के लिए आपको एडसेंस के अकाउंट में अपना पेमेंट मेथड होता है एक प्रकार का, वहां पर जाकर आपको अपने खाते से संबंधित जानकारी सबमिट करनी होती है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप अपने अकाउंट नंबर को एडसेंस के खाते में कैसे लिंक कर सकते हैं जिससे कि आपका जो एडसेंस पेमेंट वो आपके अकाउंट में आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आपका पेमेंट रुक सकता है, क्योंकि इसमें जो जानकारी वो बिल्कुल सही देनी होती है और बारीकी से इस पर ध्यान देना होता है। आपके अकाउंट नंबर पर प्लस आपके नाम की जो मीनिंग्स होती हैं उस पर आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर एक भी वर्ड मिसिंग होता है तो आपके अकाउंट में ये पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं होती है, साथ में आपको आगे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है आपके अकाउंट को लेकर। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और जो भी मैं चीज़ें सबमिट करूँगा वो आपको भी सबमिट करना है अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और जो भी जानकारी उसे सबमिट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारे एडसेंस अकाउंट पर जाकर वहाँ पर अकाउंट संबंधित जानकारी को जमा करेंगे, तो आप भी देखिएगा इसे। चलिए हम क्रोम ओपन करते हैं, यहाँ पर हम एडसेंस टाइप करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एडसेंस की लिंक आ चुकी है, इसे हम ओपन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अपना जो भी चैनल का यूट्यूब चैनल का जो मेल एड्रेस होता है जिससे आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है उसकी आपको मेल आईडी प्लस पासवर्ड सबमिट करना होता है जो कि आपके एडसेंस अकाउंट से लिंक होता है। ठीक है, तो हम भी अभी सबमिट करेंगे जैसे ही ओपन होगा। ये देखिए, हम हमारे ब्लॉग चैनल का एडसेंस कंप्लीट कर रहे हैं तो हम उसी को ओपन करेंगे। पासवर्ड यहाँ पर हम सबमिट करेंगे, पासवर्ड हमने सबमिट कर दिया है। अब ये जैसे ही ओपन होगा वहाँ पर हमको आगे बढ़ने के लिए बोलेगा। सर्वर लो होने की वजह से काफ़ी स्लो चल रहा है, वैसे तो इंटरनेट अभी मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। ये देखिए, ये हमारा एडसेंस का जो होम पेज है ओपन हो गया। देखिए, यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। तो हम इस एक्शन पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमने अभी तक हमारा अकाउंट इसमें ऐड नहीं किया है, तो अब हम ऐड करेंगे। ये देखिए, टू रिसीव पे आउट्स प्लीज चूज ए वैलिड पेमेंट मेथड, तो हम इसे अपडेट करेंगे। ठीक है, एड पेमेंट मेथड, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके के आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल, इसे आपको नहीं भरना है। नेम ऑन बैंक अकाउंट, ये आपको भरना है क्योंकि आपके बैंक में अकाउंट में आपका क्या नाम है आपको उसे टाइप करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं मेरा नाम सबमिट कर देता हूँ, ये मेरा नाम है जो कि मेरे बैंक में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बैंक का नाम क्या है, आपने जो भी बैंक में अकाउंट खुलवाया है, ठीक है, तो आपको अपने बैंक का नाम देना है, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। जो इसका आईएफएससी कोड होता है बैंक का, हर ब्रांच का अलग अलग होता है, तो हमें इसे सबमिट करना होता है, तो आईएफएससी कोड भी हम सबमिट करेंगे। तो इसमें है BKID123x09540। ठीक है, ये हमने आईएफएससी कोड अपडेट कर दिया। अब जो स्विफ्ट कोड होता है जो कि करेंसी को चेंज करने के लिए होता है, तो हमारे नियरेस्ट जो बिग सिटी है वो है इंदौर, हमने यहाँ से लिया, ये हमारा स्विफ्ट कोड है। अगर आपको स्विफ्ट कोड निकालना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर भी मैंने पहले वीडियो बना दिया हूँ, आप बिल्कुल उस वीडियो को देखिए और आप किसी भी अपने नियरेस्ट बिगेस्ट सिटी का स्विफ्ट कोड है वो ले सकते हैं, क्योंकि आपकी अगर छोटी डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं होता है। तो हम इसे सबमिट करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं BKID, इसके बाद फिर से हम चेक करेंगे, इसके बाद आई एन डबल बी आई एन डबल बी
इसके बाद हम फिर से एक बार और चेक करेंगे, इसके बाद IDR जो लास्ट के हैं IDR एक बार पूरा चेक करेंगे। देखिए अगर सही होता है तो ऑटोमेटिकली हमें अगले नेक्स्ट स्टेप पर हमें सेंड कर देता है, ठीक है। अब हमें अकाउंट नंबर सबमिट करना है जो है कि 9540100110014919। अकाउंट नंबर चेक करेंगे 9540 9540 101 101, फिर 100 100, इसके बाद है 1414919, ठीक है। चेक, इसके बाद हमें रीटाइप करना है तो हम ऊपर देखेंगे 9540101 101, ठीक है। हम मैच करेंगे जो कि हमारा अकाउंट नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद हमें यहाँ पर सेव कर देना है, ठीक है। ये हमने कर दिया है सेव। ये प्रोसेस, ये देखिए, ये हमारा जो भी प्राइमरी हमारा अकाउंट डिटेल रहती है या प्राइमरी जो अकाउंट होता है वो हमें यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम होम पर जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो क्या ये फिर से हमें एक्शन बटन मिल रहा है? जी नहीं, अब हमें यहाँ पर कोई भी एक्शन बटन नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने हमारा पेमेंट्स में हमारा अकाउंट जो है उसे ऐड कर दिया गया है जिसके ज़रिए हमें पेमेंट मिलेगी एडसेंस से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमारा अकाउंट है रविलाल राठौर नाम से और यहाँ पर हमने इसे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ आई होगी, अगर आपको समझ नहीं आता है तो बिल्कुल इसे पोस्ट कर देखिए, ठीक है। तो अभी हम इसे करते हैं क्लोज। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इस तरीके से आपको अपने अकाउंट डिटेल सबमिट करनी है अपने एडसेंस के अकाउंट में। वहाँ पर जाकर आपको अपनी डिटेल जो भी है, जैसे कि ये मेरे पास, इसमें मेरी सारी जानकारी है, मेरी पासबुक है, इसमें मेरा IFSC कोड, सभी प्रकार के डिटेल मेरे अकाउंट से संबंधित। इसमें सिर्फ क्या होता है, आपको स्विफ्ट कोड इंटरनेट से निकालना होता है, अगर चाहें तो आप कस्टमर केयर से भी निकाल सकते हैं। जो भी आपकी बैंक है उसका टोल फ्री नंबर आप अपने मोबाइल से कॉल कीजिए, वहाँ पर जाकर आपको कस्टमर केयर का ऑप्शन चुनना है, वहाँ पर आपको कस्टमर केयर के जो अधिकारी होते हैं उनको आपको बताना है कि हमें स्विफ्ट कोड चाहिए, वो आपसे आपके अकाउंट की थोड़ी डिटेल लेंगे, उसके बाद आपको स्विफ्ट कोड दे देंगे। अगर आप वहाँ पर नहीं कॉल करते हैं तो जैसे कि मैंने ऑनलाइन बताया और पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ स्विफ्ट कोड कैसे निकालते हैं, वहाँ पर जाकर आप स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि US की मनी को इंडियन मनी में ये चेंज करता है, ये एक प्रकार से मनी करेंसी चेंज करने यानी करेंसी चेंज करने का एक कोड होता है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।